हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतमी क्लास। तो आज मैं बीएबीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा अभिव्यक्ति एवं लेखन क्षमता से महत्वपूर्ण संक्षिप्त लेखन लेकर आया हूं, जिसे जीवन परिचय भी कहा जाता है। आपको कुछ महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे अलग आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है। प्रत्येक वर्ष इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आते हैं। मैं आपको केवल 5 जीवन परिचय बताऊंगा जिनमें से आपके एग्जाम में 100% आने की उम्मीद है। तो सबसे पहले हम आपके इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो आपके एग्जाम में निबंध पूछे जाते हैं, निबंध के ऊपर आपके प्रश्न दिए जाते हैं। आपको निबंध भी बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध होते हैं आपके एग्जाम के लिए। संक्षिप्त लेखन, आज हम इस वीडियो में केवल संक्षिप्त लेखन की बात करेंगे, जिसे जीवन परिचय भी कहा जाता है। यह आपके राष्ट्रीय नायक, सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक, महान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी आदि से संबंधित होंगे। यहाँ पर पहला है शंकराचार्य, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे, चौथा यहाँ पर सी वी रमन, पाँचवा है होमी भाभा, छठा यहाँ पर मदन मोहन मालवीय, सातवा है लाला लाजपत राय, आठवां है बाल गंगाधर तिलक और नौवां यहाँ पर महात्मा गांधी। तो आज हम इनमें से केवल 5 जीवन परिचय देखेंगे, उन्हीं में से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आपको इनसे अलग याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद आपके एग्जाम में पत्र लेखन भी पूछे जाते हैं, प्रारूपण के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्तनी की अशुद्धियाँ, वाक्य गठन की अशुद्धियाँ और टिप्पण, इनमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो आइए हम फटाफट से सभी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला जीवन परिचय हमने लिया है शंकराचार्य का। शंकराचार्य के बारे में आपको डिटेल से लिखना होगा यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको किस प्रकार से लिखना है। ज्ञानी संसार में बहुत हुए हैं किंतु महान अद्वैतवादी, जगतगुरु आदि शंकराचार्य गिने चुने महान ज्ञानियों में माने जाते हैं। उनके समय के संबंध में विद्वानों में मतभेद हुए। उनके जन्म के समय के संबंध में अभी तक कोई पता नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। उनका जन्म जो है 8वीं शताब्दी में हुआ था, यही विद्वान कहते हैं। उनके परिवार में पहले से ही वेदों का गहन अध्ययन होता था। उनके पिता का नाम आपको याद रखने है कि उनके पिता का क्या नाम था, शिवगुरु, और माता का नाम था विशिष्टा देवी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों का याद रखना है, माता का भी और पिता का भी। पिता का नाम था शिवगुरु, माता का नाम था विशिष्टा देवी। माता पिता की घोर शिवोपासना के फलस्वरूप जिस बच्चे का जन्म हो उसका नाम शंकर रखा गया। इनका बचपन का नाम क्या था, शंकर। बाद में इनका शंकराचार्य हो गया था। शंकर बचपन से ही मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही मलयालम भाषा सीख ली थी। शंकर को जब उनके माता पिता किसी धर्म ग्रंथ अथवा महाकाव्यों को सुनाते थे तो वे सब शंकर को कंठस्थ हो जाता था। उनको 3 वर्ष के छोड़कर उनके पिता जो है चल बसे थे, यानी उनके पिता गुजर चुके थे 3 वर्ष के छोड़कर। माता जी ने 5 वर्ष की अवस्था में उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया और उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया। वहाँ उन्होंने 2 वर्ष की अवधि में ही वेद वेदांगों पुराणों तथा इतिहास आदि का अध्ययन पूर्ण कर लिया। गुरुकुल से वापस घर आकर वे अपनी माता की सेवा करने लगे। शंकर का मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था, उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े लोग उनके शिष्य बन गए। केरल के तत्कालीन राजा राजशेखर भी उनके शिष्य बने। वे संन्यास लेने के प्रबल इच्छुक थे किंतु उनकी माता उन्हें इसकी अनुमति नहीं दे रही थी। वे भी माता से बहुत प्रेम करते थे और उनकी आज्ञा के बिना संन्यास ग्रहण करना नहीं चाहते थे। एक दिन स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने शंकर का पैर पकड़ लिया। नदी किनारे बैठी हुई अपनी माता से शंकर ने कहा कि मुझे संन्यास लेने की अनुमति यदि तुम दे दोगी तो यह मगरमच्छ मेरा पैर छोड़ देगा, अन्यथा मेरी मृत्यु निश्चित है। पुत्र को जीवित देखने की लालसा से माता ने अनुमति दे दी। 8 वर्ष की आयु में शंकर ने संन्यास ले लिया, किंतु उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वे उनका अंतिम संस्कार करने के लिए अवश्य आएंगे। शंकर ने गोविंदाचार्य को अपना गुरु माना। शंकराचार्य के गुरु का जो नाम था वह था गोविंदाचार्य। 3 वर्ष तक गुरु के सानिध्य में उन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। फिर काशी जाकर उपदेश देने लगे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद आदि पर टीकाएं लिखी। तो ये शंकराचार्य के बारे में कुछ संक्षिप्त लेखन था, उनके बारे में कुछ जीवन परिचय था। आपको इतना ही लिखना है, बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर राजा राम मोहन राय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके हर वर्ष एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में सन 1774 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था। उनके माता पिता का नाम भी आपको याद रखना है। इसे आप किसी भी महान व्यक्ति के ऊपर जीवन परिचय आसानी से लिख सकेंगे। तो उनके पूर्वज कृष्णचंद बनर्जी बंगाल के नवाब की सेवा में रहते थे। उन्हें राय की उपाधि मिली थी, यानी राजा राम मोहन राय के पूर्वज थे कृष्णचंद बनर्जी, जो बंगाल के नवाब की सेवा में रहते थे।
वहीं से उन्हें राय की उपाधि मिली थी। तभी से राय शब्द उनके परिवार के साथ जुड़ गया। उनके पिता का नाम जो है रमाकांत राय था और माता का नाम तारिणी देवी था। पिता वैष्णव थे और माता शाक्त थी। दोनों का ही प्रभाव राजा राम मोहन राय पर पड़ा। उन्हें राजा की उपाधि दिल्ली के मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। राजा राम मोहन राय बचपन से ही प्रतिभावान थे। उनको बंगाली, फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच और लैटिन भाषाओं का ज्ञान था। इनमें से 6-7 भाषाओं पर तो उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त था। राजा राम मोहन राय ने उस वैचारिक क्रांति को जन्म दिया जिसने भारत को परंपरागत रूढ़ियों के गहन अंधकार से निकालकर आधुनिकता की ओर अग्रसर कर दिया। राजा राम मोहन राय की प्रखर मेधा और प्रकांड विद्वत्ता, मानव सेवा की विवेकपूर्ण भावना एवं विश्वजनीन दृष्टि सभी पुनर्जागरण और धार्मिक सुधार एक साथ लाने में सहायक सिद्ध हुए। यह उनकी विवेकशीलता का ही उदाहरण कहा जाएगा कि जब वे बालक थे तभी से वे मूर्ति पूजा के औचित्य पर संदेह व्यक्त करते थे, यानी उन्हें मूर्ति पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने धर्मों के अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया। समाज सुधार के लिए उन्होंने एक क्रांति का सूत्रपात किया। उनके प्रयत्नों से सती प्रथा का अंत हुआ। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह तथा अंतरजातीय विवाह के पक्ष में प्रचार किया। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाते हुए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। उन्होंने राष्ट्रीयता एवं लोकतंत्र के विचारों को धर्म सुधार एवं राजनीतिक विकास से संबंधित कर दिखाया। एक अंग्रेजी पत्र में समाचार छपा था, राजा राम मोहन राय न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न ईसाई हैं और ऐसी स्थिति में वे निष्पक्षता से गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाल सकते हैं। इससे उनका धर्मनिरपेक्षवादी स्वरूप उभर कर सामने आता है। राजा राम मोहन राय ने 10 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की थी। 1814 ईस्वी में नौकरी छोड़कर वे धर्मोत्थान के कार्य में लग गए। उन्होंने ब्रह्मसूत्र का बांग्ला में तथा केनोपनिषद व ईशोपनिषद का बांग्ला और अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा अनेक संस्कृत ग्रंथों की व्याख्या की। उनके द्वारा की गई ईसाई धर्म की पुस्तकों की व्याख्या काफ़ी विवादास्पद रही। उन्होंने बांग्ला में संवाद कौमुदी तथा फारसी में मिरात उल अखबार नामक 2 पत्र निकाले। तो उनके 2 पत्र के क्या नाम थे? संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। B.S. नरवणे के अनुसार ब्रह्म समाज के विचार क्रम से बंगाल से बाहर दूर दूर तक फैल गए और उन्होंने उदारतावाद, तर्कणवाद और आधुनिकता का वह वातावरण तैयार किया जिसने भारतीय चिंतन में क्रांति उत्पन्न कर दी। ब्रह्म समाज की स्थापना के 4 वर्ष बाद यानी 1833 में उनका इंग्लैंड में देहावसान हो गया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय चिंतन का शिरोमार कहा जाता है। उन्होंने अकर्मण्यता, भाग्यवाद, विघटन आदि के विरोध में प्रबल आवाज़ उठाई। तो यह राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय था। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में हमने लिया है यहाँ पर होमी भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए हम इनके जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्वतंत्र भारत को परमाणु युग में प्रवेश दिलाने का श्रेय महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। डॉक्टर भाभा ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने न केवल भारत में अपितु विश्व भर में अपनी वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया। डॉक्टर भाभा का जन्म मुंबई में हुआ था। एक शिक्षित धनवार पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर भाभा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में ही संपन्न हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे कैम्ब्रिज के गोडविल एंड कैस कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए इंजीनियरिंग परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। डॉक्टर भाभा को इंजीनियरिंग के साथ साथ गणित और भौतिक विज्ञान में भी अत्यधिक प्रेम था। सन 1934 से 1937 ईस्वी तक उन्होंने भौतिक विज्ञान से संबंधित अनेक शोध कार्य किए। कॉस्मिक किरण की बोछार के क्रमप्रपात यानी कैस्केड थ्योरी ऑफ कॉस्मिक रे शावर्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके फलस्वरूप सन 1934 ईस्वी में उन्हें PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत लौटने पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में वे सन 1941 में भौतिकी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। 1941 ईस्वी में ही उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें लंदन जाना पड़ा। सन 1942 ईस्वी में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एडम्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1948 ईस्वी में देश में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना की गई।
डॉक्टर भाभा को इस आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। डॉक्टर भाभा की अध्यक्षता में प्रथम परमाणु शक्ति से संबंधित कार्य ट्रांबे में अप्रैल 1955 में प्रारंभ किया गया। ट्रांबे का परमाणु शक्ति केंद्र उनकी एक महान देन है। 14 फरवरी सन 1966 ईस्वी को एक विमान दुर्घटना में डॉक्टर भाभा का निधन हो गया। तो यह डॉक्टर भाभा के विषय में कुछ संक्षिप्त लेख था। आइए हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका लाला लाजपत राय, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए हम इनके जीवन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। भारत माता के महान पुत्रों में से एक लाला लाजपत राय का जन्म फिरोजपुर जिले के ढोडी के नामक स्थान पर 28 जनवरी 1865 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म ढोडी के स्थान पर हुआ था 28 जनवरी 1865 ईस्वी को। इनके पिता राधाकृष्ण आज़ाद स्कूल में अध्यापक थे। इनकी माता का नाम गुलाबी देवी था। उन्होंने अपने पिता को ही अपना गुरु स्वीकार किया। राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें कट्टर देशभक्त तथा कांग्रेस का सबसे योग्य प्रवक्ता माना जाता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही माता पिता के द्वारा संपन्न हुई। इन्होंने बड़े होने पर शिक्षा के प्रति उत्साह और विशेष रुचि दिखाई। लाला लाजपत राय की माता अनपढ़ थी, फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान द्वारा उन्हें धर्म की शिक्षा दी। सन 1882 ईस्वी में जब वे लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र थे, तब आर्य समाज से प्रभावित होकर उसमें सम्मिलित हो गए। इससे उनके जीवन को नई दिशा मिली। लाजपत राय एक संवेदनशील व्यक्ति थे। जो कुछ वे सीखते थे उसे आत्मसात कर लेते थे। सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना के 3 वर्ष बाद लाजपत राय इसमें सम्मिलित हुए। भारतीयों के विचार प्रकट करने का वह एक अच्छा मंच था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस का ध्यान जनता की मूल समस्याओं यथा जैसे कि गरीबी और निरक्षरता की ओर आकर्षित किया। लाला लाजपत राय की आस्था एवं विश्वास के कारण उन्हें पंजाब केसरी तथा शेर ए हिंद की उपाधि दी गई। जिस समय ब्रिटिश सरकार की शक्ति अपने चरम पर थी, उस समय लाला लाजपत राय ने सरकार का खुला विरोध किया था तथा उसके अनेक कार्यों की निंदा की, जिससे उन पर कई बार राजद्रोह का आरोप लगाया गया। साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण इन पर लाठियों की बौछार हुई, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। लाला लाजपत राय राजनीतिक मंच के अलावा सामाजिक गतिविधियों में सतत प्रयत्नशील रहे। सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों एवं शिक्षा का प्रचार करने के लिए उन्होंने दूर दूर तक भ्रमण किया। उन्होंने वंचित और पिछड़े लोगों के लिए कई संस्थाएं खोली तथा दान दिया। उनका विश्वास था कि जनता के उत्थान के लिए शिक्षा अनिवार्य है। उन्होंने महिलाओं के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर भी बल दिया। पंजाब में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की भी स्थापना की। लाला लाजपत राय ने कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, महाराज अशोक, वैदिक ट्रैक्ट, अनहैप्पी इंडिया आदि। इनके इस लेखन कार्य का उद्देश्य समाज सुधार और देशभक्ति था। साइमन कमीशन के विरोध के कारण हुए लाठीचार्ज में आई गंभीर चोटों के कारण वे बीमार रहने लगे। 17 नवंबर 1929 ईस्वी को प्रातःकाल उनका निधन हो गया। तो उनके जीवन के बारे में कुछ संक्षिप्त लेख था। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपका अंतिम जीवन परिचय है, महात्मा गांधी के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए हम इनके जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। अहिंसा के पुजारी और करुणा के अवतार महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये तो आपको पता ही होगा उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की माता धर्मनिष्ठ और विनीत स्वभाव की महिला थी। माता की आस्तिकता और सत्यपरायण की गहरी छाप गांधी जी पर व्यापक रूप से पड़ी। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में ही, जहां पर उनके पिता दीवान थे। अपने बचपन में गांधी जी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा और श्रवण कुमार नाम का नाटक पढ़ा। इन दोनों नाटकों के आदर्शों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। इसी वर्ष उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और कानून की शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड चले गए। भारत लौटने पर उन्होंने अपनी वकालत आरंभ की और एक मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने भारतीयों की दयनीय दशा देखी। वहां भारतीयों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। गोरों और कालों के भेद ने गांधी जी के हृदय में विद्रोह की ज्वाला उत्पन्न कर दी। वहां पर उन्हें भी कई बार अपमानित किया गया। ये सब देखकर उनका हृदय विद्रोह से भर उठा। उन्होंने वैधानिक ढंग से युद्ध छेड़ दिया और इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह एवं अहिंसा का शस्त्र अपनाया। उनके आंदोलन का अनुकूल प्रभाव
हुआ और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को सम्मानपूर्ण जीवन मिला। इस प्रकार गांधी जी प्रसिद्धि के शिखर पर जा पहुँचे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी जनप्रिय हो चुके थे। भारतीय राजनीति उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले राजनीति के मैदान में थे। उन्होंने गांधी जी का स्वागत किया और गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी बन गए। उन्होंने अहमदाबाद के साबरमती के तट पर अपने आश्रम की स्थापना की और वहीं से भारत की कोटि कोटि जनता का मार्गदर्शन करने लगे। गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने चरखे को स्वतंत्रता का प्रतीक बनाया और अहिंसा को इस आंदोलन का अस्त्र। स्वतंत्रता आंदोलन के इस कर्मठ सिपाही को अनेक बार जेल यात्राएं करनी पड़ी। सन 1942 ईस्वी में उन्होंने बम्बई अधिवेशन में नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब अंग्रेजों ने मन ही मन समझ लिया था कि उन्हें भारत से जाना ही होगा। अंत में गांधी जी की नीति की विजय हुई और सन 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ। देश की स्वतंत्रता को अभी एक वर्ष भी नहीं बीता था कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी की संध्या को नाथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने अपने रिवॉल्वर की गोली से गांधी जी की हत्या कर दी। इस प्रकार भारत का महान संत, पीड़ित मानवता का एकमात्र आशय और विश्व का महान व्यक्तित्व संसार से विदा हो गया। इनकी मृत्यु से सारा संसार अवाक रह गया। मानवता चीख उठी, किंतु गांधी जी मरकर भी अमर हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द में, प्रकाश बुझा नहीं है क्योंकि वह तो हजारों लाखों व्यक्तियों के हृदय को प्रकाशित कर चुका है। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का योगदान अतुलनीय है। जातिवाद, छुआछूत, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, नशाखोरी और सांप्रदायिक भेदभाव जैसी बुराइयों के उन्मूलन के लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया। जातिवाद और छुआछूत को मिटाने के लिए उन्होंने सबसे अधिक प्रयास किया और अछूतों को हरिजन यानी भगवान के लोग कहकर सामाजिक सम्मान दिलाया। तो यह महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ परिचय था। आपके पूरे सिलेबस से जितने भी संक्षिप्त लेखन थे, जितने भी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय थे, मैंने आपको बताए हैं। प्रीवियस ईयर में भी आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, उन्हीं के आधार पर ही मैंने आपको इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताए हैं, जो कि इस वर्ष आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इनमें से आपके एग्जाम में जरूर जीवन परिचय देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।